subscribe and press the bell icon to never miss a video from 10x Learning. Hello friends, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बायोलॉजी में pBR322 वेक्टर का डायग्राम दिया है उसको कैसे समझें और उसको याद कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डायग्राम दिया है वो कुछ इस तरह है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि डायग्राम बन चुका है। तो जो हम लोग का ये पार्ट है PVU1, PST1, PVU2, ये सब जो साइड में लिखा है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। और इसका काम है कि एक जगह पे इसको काटना रहता है। इसका फंक्शन ये है, कटिंग का फंक्शन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। और ये जो AMPR और TTR है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है। तो अब देखते हैं कि कैसे बनाया जाए इसको। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत देखिए, आप सबसे पहले गोला बनाइए। तो आप देख सकते हैं कि गोला बन गया है, उतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर अगला स्टेप है कि इसको शुरुआत करना, इसको एक घड़ी की तरह लीजिए, ठीक है। हम लोग का दिन का शुरुआत कब होता है? 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे डे का ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे ORI लिख दीजिए और घड़ी का साथ लगभग यहीं बचता है। आप अगर एक यहाँ छोटा सा घड़ी बनाए, ये 12, 3, 6, 9, तो 7 लगभग यहाँ बचता है लगभग। तो 7 बजे दिन का शुरुआत होता है, ठीक है, आप ऐसे सोच लीजिए। तो दिन का शुरुआत हो गया, ओरिजिन हो गया। अब अगला स्टेप है कि हम लोग 9 स्कूल जाते हैं, स्कूल या कॉलेज जो भी जाते हैं। तो 9 बजे से 11 बजे तक चलता है, ठीक है। 9 बजे से 11 बजे तक स्कूल या कॉलेज चल रहा है हम लोग का लगातार। और उतने में हालत ख़राब हो गई बच्चों की पढ़ते पढ़ते। यही 2 घंटा पढ़े और उतने में बहुत थक गए सारे बच्चे। बोलते हैं ना कि हालत पस्त हो गया पढ़ते पढ़ते। तो हालत पस्त हो गया यानी PST, और यहाँ पे 1 रहेगा, ये सब 1 रहेगा। थर्ड केवल हिंड में है, जैसा कि आप देख सकते हैं HIND 3, थर्ड केवल इसमें है, बाकी सब में 1 है और PVO में 2 है। तो यही तो अंतर है। तो फिर देखिए हालत पस्त हो गया, 9 बजे थे, 9 बजे आते आते हालत ख़राब हो गई। तो हालत पस्त हो गया। फिर पवई के बच्चों का हालत कुछ ज़्यादा पस्त हो गया। पवई जैसा कि जानते हैं कि आप कि मुंबई में एक जगह है पवई, तो PVU पवई, ये भी 1 है। पवई के बच्चों का हालत ज़्यादा ख़राब हो गया। और उसमें क्या गरीब क्या अमीर, सबका हालत ख़राब था। 9 से 11 पढ़ते पढ़ते सबका हालत ख़राब हो गया, अमीर का गरीब सबका हालत ख़राब हो गया। तो अमीर से हो गया AM अमीर, और यहाँ P लगा दीजिए, AMPR, ठीक है। फिर अब 11 बजे तक क्लास चला, फिर 11 से 3, अभी पढ़ाई बंद नहीं हुई, 11 से 1 इसमें इकोलॉजी का क्लास चला, R1 इकोलॉजी से हो गया R1 इकोलॉजी का क्लास। तो क्लास से हो गया CLA 1। और इकोलॉजी क्लास में अजीब बात है, इकोलॉजी क्लास में इकोलॉजी पढ़ाना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या हुआ कॉलेज में कि इकोलॉजी के क्लास में हिंदी पढ़ाने लगे, ठीक है, हिंदी पढ़ाने लगे, और वो भी हिंदी का थर्ड वाला पार्ट पढ़ाने लगे। तो इकोलॉजी का क्लास शुरू हो रहा था 11 बजे, 11 से 1 था, लेकिन इकोलॉजी के क्लास में हिंदी का पढ़ाने लगे, ठीक है। अब 1 बजे छुट्टी हो गई तो आप घर आए, ठीक है। फिर घर पे सोचे कि चलो थोड़ा आराम कर लीजिए, इतना थकान लग गई है। तो आप आराम करने के लिए बेड पे लेटे, तभी कोई बम दाग गया। होता नहीं है कि दिवाली के टाइम में लोग पटाखा फोड़ते हैं, तो बम कोई लगा दिया और बहुत तेज आवाज़ था, आप परेशान हो गए। बहुत तेज आवाज़ हुई बम की, तो बम लिखते हैं BAM बैम H1, बम दग गया और बहुत तेज आवाज़ हुई, तेज से हो गया TTR, तो बहुत तेज आवाज़ हुआ बम से। तो आपका दिमाग ख़राब हो गया, आप बोले कौन साला बम फोड़ रहा है अभी दोपहर में, कौन साला, साला से हो गया SAL 1। तो आप बोले कि कौन साला बम फोड़ रहा है इतने टाइम, दिमाग ख़राब हो गया आपका।
तो साला निकल गया आपके मुंह से, तो ये बम फोड़ दें साला। फिर आप सो गए 2 घंटा, फिर आराम से उसके बाद सो गए। फिर 5 बजे जब उठे हैं तो आपको याद आया यार अभी पढ़ाई फिर से शुरू करना है। पवई वाले बच्चों को याद आ गया कि पढ़ाई फिर से शुरू करना उठने के बाद, ठीक है। तो 5 बजे लगभग वो लोग उठ गए यहाँ पे, तो 5 बजे उठे और लगभग फिर याद आ गया कि पढ़ाई शुरू करना है, तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया पवई वाले बच्चों का PBU। तो अब उन लोग का दूसरे बार दिमाग ख़राब हो चुका था पवई वालों का। यहाँ पे एक बार ख़राब हुआ था 9 से 11 में क्लास चला था, फिर यहाँ दूसरी बार पवई के बच्चों का हालत ख़राब हो गया। तो अब कहें कि भैया अब कोई बचा नहीं सकता, अब रस्सी टांगो फांसी लगाओ। तो ROP1 ROP यहाँ रोप से हो गया, रस्सी से हो गया रोप, रोप लगा के वो फांसी लगा लिया बच्चा। लेकिन आप कोई भी इंस्पायर मत होइएगा कि चलो भैया हम भी फांसी लगा ले 5 बजे, फांसी वांसी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक के नाते बता रहे हैं कि फांसी लगा लिया। इस तरह पूरा देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा बन चुका सर्किल, पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था स्टोरी, ओरिजिन कहाँ से हुआ, 7 बजे से ओरिजिन हुआ और दिन का शुरुआत हो गया, सूरज उगा, फिर आप कॉलेज गए या स्कूल गए और वहाँ पे 9 से 11 पढ़ाई हुई, ठीक है। 9 से 11 पढ़ने में बच्चों का हालत पस्त हो गया, हालत ख़राब हो गया खूब, हालत पस्त से हो गया PhD 1। फिर उसमें कौन गरीब कौन अमीर, सब घर जाने का मन कर रहा था सबका, तो कौन गरीब कौन अमीर से हो गया AMPR, एम्पिथिलीन एंटीबायोटिक रेस्टोरेंट साइट की डिनोट कर रहा है। फिर पवई वाले बच्चों का, पवई एक जगह मुंबई में, उनका कुछ ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। अब 11 से एक इकोलॉजी का क्लास चलना था, इकोलॉजी से हो गया ECO R1 और क्लास से हो गया CLA 1, लेकिन उसमें हिंदी का थर्ड पार्ट पढ़ाया गया, तो HIND 3। अब अगला देखते हैं, 1 से 3 तक आप आ गए घर, ठीक है। अब घर आ गए, सोचे कि थोड़ा आराम कर लें, तभी कोई बहुत तेज बम दाग दिया, आपका पूरा दिमाग ख़राब हो गया। बम से हो गया BAM H1, आपका दिमाग ख़राब हो गया, बोले कौन साला बम फोड़ रहा अभी, तो साला से हो गया SEL 1। और बहुत तेज आवाज़ था बम का, तो TET, तेज होता है ना TEJ, तेज से हो गया लगभग TET, आप उतना फिगर आउट कर सकते हैं। फिर अब आप सो गए 2 घंटा, 5 बजे उठे, 5 बजे पवई वाले बच्चों का ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, यहाँ पे तो हालत ख़राब था 9 से 11, अब फिर से हालत ख़राब हो गया, तो वो रस्सी लगा लिया, फांसी लगा लिया पवई वाला बच्चा, रोप, तो फांसी के रस्सी से हो गया ROP। तो आप देख सकते हैं कि यही था ट्रिक, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया है ये वीडियो। आप लोग एक बार ट्रिक ट्राई कर लीजिए खुद से और आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि आप लोग को ये याद हो चुका रहेगा, तो ट्राई करिए एक बार ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।